बिजनौर पुलिस की बड़ी लापरवाही, प्रेमी युगल को बरामद कर दरोगा ले गया अपने आवास सामली, प्रेमी की हुई मृत्यु, एक्शन के मोड में बिजनौर एसपी। इस वक्त की बड़ी खबर, जनपद बिजनौर के स्योरा थाना क्षेत्र गांव गल्लाखेड़ी निवासी ने थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि 3 दिन पूर्व गांव मुंडाखेड़ी निवासी दीपक पुत्र अरविंद उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रेमी युगल को बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि स्योरा थाना उप निरीक्षक सुनील कुमार एक महिला आरक्षी और एक मुख्य आरक्षी के साथ प्रकरण में रवाना हुए, जिसके बाद प्रेमी युगल को हम बरामद कर अपने आवास जनपद सामली ले गए। बताया जा रहा है कि रविवार सोमवार की मध्य रात्रि में प्रेमी युवक दीपक की एसआई सुनील कुमार के घर में ही मृत्यु हो गई, जिसकी खबर मृतक के परिजनों को मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजन व गांव वाले इकट्ठा होकर जब थाना स्योरा पहुंचे, तब उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। रात जब लड़की अपनी मर्जी से गई, इन्होंने मार दिया कल, तो रात ही गए वे, कल आज सुबह काम खत्म कर दिया उनका, पुलिस वालों ने मिल के, और उन्होंने चार जो गए थे सामली, मालूम होगी जब मैं यहाँ आप जाएंगे, रात जाऊँगा मैं, रात नहीं हो गया। कितने बेटे थे आपके? दो। अच्छा, दो बड़ा छोटा है? बड़ा है। बड़ा कितनी उम्र थी उसकी? 19 साल की। क्या करता था ये? पढ़ाई कर रहा था, डिप्लोमा कर रहा था, क्या बोल रहे थे? ये मामला ये है, बच्चे पाता देखने गए थे। अच्छा। उन लड़की को वो पाता दिखाकर घर छोड़ने गया, ये तू अपने घर को जा, मैं अपने घर को जाऊँ। वो लड़की ने पीछा नहीं छोड़ा उसका, लड़की वाले जो मानने भागे तो लड़की बोली मुझे लेकर चल, अभी लेकर चलेंगे, तो कम बुद्धि थी भाई, ले गया वो। लड़का क्या कर रहा था? लड़का काम कर रहा था चंडीगढ़ में। प्रीतम सिंह नाम मेरा, गाँव मुंडा खेड़ी है जी। और एक लड़का है हमारे गांव का अरविंद कुमार का, सैन्यू में, वो एक चुनमुन है प्रजापति वहाँ के, उनकी व्यक्ति के साथ चला गया था, तो दोनों बच्चे नाबालिग हैं। नहीं, अपहरण नहीं हुआ था, वो शायद अपनी मर्जी से गई है, क्योंकि वो बच्चे रात में निकले हैं, उनका गेट खुला हुआ था, ऐसा सुनने में आया है, वो बच्चे अपनी मर्जी से गई थी, उनके साथ जो भी था। आपने देखा कि मृतक युवक के परिजनों का क्या कुछ है कहना, अब आपको दिखाते हैं कि इस संबंध में बिजनौर एसपी ने क्या कुछ कहा। दिनांक 13/10/2024 को थाना श्योहारा पर एक नाबालिग बच्ची के अपहरण के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिसके संबंध में कार्रवाई उपनिरीक्षक सुनील कुमार द्वारा की जा रही थी। इस संबंध में थाना श्योहारा पर अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में आज दिनांक 14/10/2024 को सुबह में यह सूचना प्राप्त हुई कि उपनिरीक्षक सुनील कुमार एक महिला आरक्षी व एक मुख्य आरक्षी के साथ प्रकरण में जो है रवाना हुए थे, और अपहृता और आरोपी को जो है बरामद करने के उपरांत लापरवाही बरतते हुए उन्हें अपने आवास जो जनपद शामली में स्थित है वहां पर ले गए, और वहां पर जो है आरोपी की मृत्यु हुई है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा जो है पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उनसे लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है, और संपूर्ण प्रकरण में बरती गई लापरवाही के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी को तत्काल विभागीय कार्रवाई कर आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिजनौर एसपी का कहना है कि स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर युवक की मृत्यु किस कारण से हुई है। अब बड़ी बात यह है कि आखिर उप निरीक्षक प्रेमी युगल को अपने आवास पर क्यों लेकर गए, और वहां प्रेमी ने कैसे फांसी लगाई। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस के साथ युवती के परिजन भी थे, अब वहां पर क्या और कैसे हुआ यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आपको यह भी बता दें कि युवक के परिजनों ने युवती के परिजनों व एसआई पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। डीपीपी न्यूज से सुभाष चौधरी की रिपोर्ट, देखते रहिए डीपीपी न्यूज। नमस्कार।